गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम लोग यूकेजी की क्लास में एक्टिविटी बुक में पेज नंबर 33 को कंप्लीट करेंगे और इसको समझेंगे। इसमें टेंस और वर्ब्स को कैसे ऐड किया जाता है वो बताया गया है। कल हमने पेज नंबर 32 में ये सब किया, सॉरी पेज नंबर 31 में किया था। आज हम पेज नंबर 32 को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 32 में नंबर 31 to 40। तो सबसे पहले बच्चों आप अपनी एक्टिविटी बुक ओपन कर लीजिए, मैथ एक्टिविटी बुक, ये सबके पास है ना, तो ये ओपन कर लीजिए। इसमें ओपन करेंगे आप पेज नंबर 32, ये देखिए पेज नंबर 32, नंबर 31 to 40, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, तो हम यहाँ देखिए बच्चों, सबसे नंबर वन पे है थ्री टेंस प्लस वन वर्ब्स, थ्री टेंस प्लस वन वर्ब। मैंने कल बताया था कि वन टेन का मतलब होता है 10, तो टू टेन का मतलब 20 और थ्री टेंस का मतलब 30। 30 प्लस वन क्या हो जाएगा, 31। वैसे यहाँ थ्री टेंस प्लस टू वर्ब्स है, तो थ्री टेंस का मैंने बताया है 30, इसको मान लेंगे 30 प्लस 2 32। फिर है थ्री टेंस प्लस थ्री वर्ब्स, तो यहाँ पे हो गया 33। फिर है थ्री टेंस प्लस फोर वर्ब्स, यहाँ हो गया 34। इसी तरह से आप इसकी पूरी लाइन कंप्लीट करिए। नेक्स्ट पे हो जाएगा फाइव, पे देखिए थ्री टेंस प्लस फाइव वर्ब्स, ओके यहाँ हो जाएगा 35। सिक्स नंबर पे है थ्री टेंस प्लस सिक्स वर्ब्स, ये हो जाएगा 36। नेक्स्ट है थ्री टेंस प्लस सेवन वर्ब्स, ये हो गया 37। सबको क्लियर है यहाँ पे, सबको दिख रहा है? इसके बाद देखिए एक नंबर पे है थ्री टेंस प्लस एट वर्ब्स, तो हो गया 38। फिर है नाइन नंबर पे है थ्री टेंस प्लस नाइन वर्ब्स, हो गया 39। टेंथ पे है फोर टेंस, देखिए मतलब यहाँ पे 40 हो जाएगा और जीरो वर्ड्स, तो यहाँ हो गया 40। ये आप इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। और नेक्स्ट जो पेज है पेज नंबर 33, वो आपका होमवर्क है। पेज नंबर 33 जो है वो होमवर्क है। इसके बाद हम ओपन करेंगे पेज नंबर 25, जो आपके बुक में ब्लैंक शीट है। पेज नंबर 25 जो है वो ब्लैंक है। कल हमने पेज नंबर 24 पे कंप्लीट किया था ना, पेज नंबर 24 पे मैंने ये कराया था आपको, मैं बता रही हूँ पेज नंबर 24 पे, पेज नंबर 24 में 1 से लेकर 10 तक की स्पेलिंग कराई गई है आपको। तो आज हम यहाँ पे करेंगे पेज नंबर 25 पे, यहाँ पे स्टार्ट मैंने किया है। पेज नंबर 25 पे आप लिखेंगे कंप्लीट द लाइन, यहाँ पे आपको एक नंबर दिया है और यहाँ पे आपको ब्लैंक्स बनाने हैं, लाइन्स बनाए बनी हुई है, इस लाइन को कंप्लीट किया गया है, सिक्स लिखा हुआ है, इसके बाद के जो नंबर्स हैं उनको कंप्लीट करना है, ये है कंप्लीट द लाइन। सिक्स लिखा है, उसके बाद लिखेंगे सेवन, जो ब्लैंक खाली है, फिर एट, फिर नाइन, फिर टेन। ओके, ये लाइन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लाइन में टू लिखा हुआ है और ब्लैंक्स है, बनाना है आपको 1 2 3 4 ब्लैंक्स बनाएंगे। इसमें टू के बाद क्या होता है, थ्री, थ्री के बाद फोर, फोर के बाद फाइव, फाइव के बाद सिक्स, ये जो नंबर लाइन है ये आपकी ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन में थ्री में लिखेंगे, फाइव नंबर आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसके ब्लैंक्स बने हुए हैं फोर, तो यहाँ आप देखेंगे फाइव के बाद क्या आता है, सिक्स, उसके बाद सेवन, उसके बाद एट और उसके बाद नाइन। ओके, ये लाइन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट फोर्थ लाइन में देखेंगे वन लिखा हुआ है और फोर ब्लैंक्स है, तो इसमें हो जाएगा इसके बाद वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर और फोर के बाद फाइव। इस तरह से ये नंबर लाइन हमने पेज नंबर 25 पे कंप्लीट करनी है। ये आपको एक्टिविटी बुक में ही करना है, एक्टिविटी बुक में ही पेज नंबर 25 जो ब्लैंक शीट है इस पे आप डेट डालेंगे आज की, मेंशन करेंगे और लिखेंगे कंप्लीट द लाइन। फर्स्ट लाइन में आपको लिखना है, उसके बाद आपकी लाइन्स फोर लाइन जो है इसको आप कंप्लीट करेंगे। तो इसको कंप्लीट करिए यहाँ पे जैसे मैंने कराया है बच्चों। और जो आपका पेज नंबर 33 है, पेज नंबर 33 है एक्टिविटी बुक में, उसको आप होमवर्क में करेंगे। उसमें आपको लिखना है 41 to 50, यहाँ आपने लिखा है 31 to 40, वहाँ आपको 41 to 50 आपको नंबर्स लिखने हैं। इस तरह से टेंस और वर्ब्स
फॉर्म में दिया हुआ है उसको आपको कंप्लीट करना है। तो बच्चों आज के लिए